जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल डिस्टेंस में खास मेहनत करने की जरूरत है। जहां भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील किया कि जनता जिला प्रशासन का ध्यान दे जिससे कोरोना महामारी से निजात पाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, देखिए खासतौर पे आगे कुछ चीज़ में हमें और ज़्यादा ध्यान देना है। मास्क तो लगभग सभी लोग पहन रहे हैं और हमारा ध्यान उस पर करना है, खासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग में। और जो कहाँ महकमा है, खासतौर पे कमर्शियल महकमा है, कहाँ जो पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा है, वैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, दुकानें हैं, जो भी जगह जनता का मूवमेंट ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, वहाँ का सफाई का व्यवस्था का और जोर देना है। उसका हम लोग आज से पहल किए थे, NCC, NSS, स्काउट और बाकी जो सिविल डिफेंस है, बाकी कितने संगठन हैं उन्हीं लोग का हम लगा रहे हैं। खासतौर पे दो ही चीज़ पे उन लोग फोकस करेंगे, एक सोशल डिस्टेंस का ऊपर और दूसरा सफाई और वो हाथ जो हैंड वॉशिंग, ये दो ही फोकस के हिसाब से वो काम करेंगे आगे, ताकि धीरे धीरे हमें खोलना भी है और साथ साथ और सावधानी बरतना है, ताकि केसेस की संख्या बढ़ेगी और आगे भी हलचल बढ़ेगा, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा। उसी दिशा पे हम लोग आज पहल किए थे। ज़रूर ये आपका चैनल के जरिए से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए सब लोग का एक तरफ से वॉरियर बनाना पड़ेगा, सब कोरोना वॉरियर के रूप से काम कराना होगा। आप शासन प्रशासन तो आपके साथ ही है, हम लोग तो आप ही के साथ ही है, और आप सभी लोग शासन प्रशासन है सक्षम है। अब सब लोग संकल्प लेना है, तो सभी लोग अपने जगह साफ सुथरी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारे चीज़ करना है। साथ साथ आपसे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, आपका परिवार का और कहीं काम करते हैं उसी के जगह को भी सही करने की जिम्मेदारी आपका हो। यदि सभी लोग, ये भी गोरखपुर में 60 लाख लोग जिम्मेदारी लेंगे, ये बीमारी का हिम्मत नहीं है अंदर घुसने के लिए। ये घुसना ना घुसना हम लोग का लापरवाही के ऊपर रहता है। मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ सतर्क रहें, इसी का हम लोग मिलकर लड़ना होगा, इसको एक दिन उगड़ के फेंकेंगे, बट सब साथ दें।